हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल डॉक्टर बाबा जी कोटा वाले पे। आज डॉक्टर बाबा लेकर आए हैं आपके लिए फंक्शंस के टॉप 5 क्वेश्चंस। तो फंक्शन चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फंक्शन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई एडवांस और जेई मेन्स के हिसाब से। फंक्शन चैप्टर जो होता है वो बेसिस होता है आपका कैलकुलस पार्ट का, चाहे वो लिमिट्स हो, चाहे वो डिफरेंशियल हो, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे एओडी हो, चाहे मोनोटोनिसिटी वगैरह, एओडी के जो भी चैप्टर्स हो, सबका जो बेसिक होता है वो फंक्शन होता है। तो फंक्शन चैप्टर को क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन के अंदर हम जानेंगे सारे फंक्शन के प्रॉपर्टीज वगैरह और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन के टॉप 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में, इफ फंक्शन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 3 टू 7 टू इनफाइनाइट, वेर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमको बताने इसमें से कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। तो लेट से एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं हम। जैसे कि हमको उस ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है, हमको पूछा क्या है, हमको इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स पूछा है, विच इज एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन बाइजेक्टिव होना जरूरी है, विच इज फंक्शन शुड बी 1 1 एंड फंक्शन शुड बी ऑन 2। ठीक है, 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब बहुत आसान होता है। 1 1 का मतलब होता है कि हमारे डोमेन का हर एलिमेंट, को डोमेन के हर एलिमेंट से जो है इस तरह से कनेक्ट हो, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं और हमारे पास में कोडोमेन के अंदर 1 2 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। तो जो ए है वो मान लो 2 से कनेक्टेड है, बी 1 से कनेक्टेड है और सी जो है हमारा 3 से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारे डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है कोडोमेन के अंदर। ठीक है, और हमारे पास में ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, अभी ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये हमारा ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे है कि यहाँ पे कोडोमेन के अंदर जो भी इमेज है उसकी एक यूनिक प्री इमेज डोमेन के अंदर मौजूद है। तो ये मतलब मोटे तौर से यही हमारा जो होता है वो क्या होता है, हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 1 की बात कर लेते हैं। तो देखो फंक्शन है, उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7। मैं अपने फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पे मैं क्या देखूंगा कि इसका एक ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, 1 1 फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन ग्राफिकली ये होती है कि अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ओके, जैसे ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, अब इस ग्राफ को एक मैं लाइन बनाता हूं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब ये लाइन कैसे भी हो सकती है, मान लो ये लाइन इस तरह से हो सकती है या फिर इस तरह से हो सकती है या फिर इस तरह से हो सकती है। तो जो ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो फंक्शन को एक ही पॉइंट के ऊपर काटना चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, तब हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है। ओके, तो हम इसको ग्राफिकली ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकली इसको मैं बनाता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमको डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे डोमेन क्या है फंक्शन का, माइनस इनफाइनाइट टू 3। तो माइनस इनफाइनाइट टू लेट से 3 यहाँ पे हमारे पास में, ओके, तो माइनस इनफाइनाइट टू 3 के अंदर ही फंक्शन जो है हमारा डिफाइन है। अब फंक्शन कहां से कहां तक है, 7 टू इनफाइनाइट। अब मैं अगर मैं एफ एक्स को वाई मान लू, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वाई माइनस 7 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में ग्राफ क्या, क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में पैराबोला ग्राफ आएगा। तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और ये जो मिनिमम पॉइंट होगा इस ग्राफ का वो 7 के ऊपर होगा। ठीक है, हमने एक्सिस को अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं कराया इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास में पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3,7 पॉइंट होगा, ये हमारे पैराबोला का वर्टेक्स होगा। अगर आगे हम एक्स्ट्रापोलेट इस ग्राफ को करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन आगे हमको करना नहीं है क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 3 हमारा डोमेन है। ठीक है, तो यहां पे हम चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो देखते हैं कि फंक्शन को कितने जो है पॉइंट्स पे काटता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो फंक्शन को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, वो फंक्शन को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट के ऊपर काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1, अवर फंक्शन एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन।
और मेनी वन क्या होता है, फंक्शन मेनी वन क्या होता है, मेनी वन जो होता है वो वन वन का अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर हमारा जो स्ट्रेट लाइन है जो एक एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे काटता तो वो फंक्शन मेनी वन कहलाता। तो ऑप्शन डी तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, फंक्शन इज वन वन नॉट मेनी वन। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो y इक्वल्स टू पूरा x के टर्म्स में लिखा हुआ है हम इसको रिवर्स करते हैं, हमारे फंक्शन को y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास में इक्वेशन आई थी y इक्वल्स टू x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 7। अब यहां से मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, यहां से मुझे x माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 7 की पावर रूट प्लस माइनस, ओके, कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर को मैं एलएचएस में लेकर जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 7 का होल रूट प्लस माइनस, ओके। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू माइनस 3 को मैं आरएचएस में ले जाता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा y माइनस 7 प्लस 3। तो यहां से हमको दो इक्वेशंस मिल रही हैं, कौन कौन सी इक्वेशन मिल रही है, एक तो इक्वेशन आपको मिल रही है x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट वाई माइनस 7 अगर मैं प्लस के साइन को कंसीडर करता हूं, और दूसरी हमको क्या इक्वेशन मिल रही है, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट वाई माइनस 7 अगर मैं माइनस के साइन को कंसीडर करता हूं। अब यहां पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नोटेबल बात है यहां पे कि x के डोमेन क्या है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो x के डोमेन क्या दे रखी है हमको, x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू 3, ये हमको दे रखा है। तो बेसिकली x क्या हमारा लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो हमारी इक्वेशंस आई है, ठीक है, क्या ये हमको x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट वाई माइनस 7। तो आप जानते हैं कि रूट वाई माइनस 7 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी हो रहा है यहां पे, ओके, यहां पे ऐड हो रहा है 3 के अंदर कुछ। तो अब ये जो हमारे पास में ऐड हो रहा है तो ये क्या कर देगा, ये 3 की वैल्यू को 3 से ज्यादा कर देगा, ओके। तो हमारे पास में जो x है फिर वो डोमेन में नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये तो हमारा डोमेन के अंदर ही नहीं है क्योंकि हमारा डोमेन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो दूसरा वाला सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, तो दूसरे वाले सॉल्यूशन के अंदर हमको दे रखा है x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट वाई माइनस 7। अब यहां पे अगर देखिए आप, रूट वाई माइनस 7 क्या है, रूट वाई माइनस 7 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यहां पे हमारा क्या हो रहा है कि 3 से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो ऑलवेज 3 लेस देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, है ना, x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा। तो यहां पे क्या हमारा डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ यहां पे हमारा डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास में इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए अल्टीमेटली हम लास्ट में क्या करते हैं, x और y को एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 7, और इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 7, दिस इज अवर आंसर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर इनवर्स फंक्शन ऑफ x। तो ऑप्शन के अंदर चेक करते हैं कि हमसे ये कौन सा ऑप्शन हमको मिल रहा है, 3 माइनस रूट एक्स माइनस 7, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ विच इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन का ही सिर्फ इनवर्स निकाला जा सकता है। बाइजेक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन शुड बी 1-1 एंड फंक्शन शुड बी ओन 2। तो यहाँ पे हमने 1-1 को चेक कर लिया, ओके, क्योंकि ऑप्शन डी को हमको रॉन्ग प्रूव करना था, तो ये फंक्शन हमारा 1-1 निकला। इसके बाद में हमने क्या करा, इसके बाद में सिंपली हमने एफ इनवर्स निकाला। इसका मतलब क्या होता है कि हमने वाई के टर्म्स को एक तरफ कर दी और हमने पूरी जो फंक्शन है वो y के टर्म्स में निकाल ली, ठीक है। तो हमारा इनवर्स अल्टीमेटली क्या है, 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 7, दैट इज अवर आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट fx इक्वल्स टू ln x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1। अनदर फंक्शन gx इज डिफाइंड सच दैट gof x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x इज एन एलिमेंट ऑफ R देन g2। अब ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहां पे हमको और भी काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। हमको फंक्शन में क्या दे रखा है, फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन क्या है हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल्स टू हम वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल्स टू हमारे पास में है एल एन मतलब नेचुरल लॉग एक्स प्लस
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज अवर फंक्शन। नाउ हमको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है हमको यहाँ पे क्वेश्चन में? दे रखा है कि जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? जी ओ एफ एक्स पहली बात तो क्या होता है, एक कंपोजिट फंक्शन होता है जिसे हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स इक्वल्स टू, हमको क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स फंक्शन के अंदर अगर मैं एफ एक्स इनपुट के रूप में डालूंगा तो हमको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, एक्स। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे आइडेंटिटी फंक्शन हुआ कि सबसे पहले हमने फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू डाली, जो एक्स की वैल्यू डाली थी हमने उसे एफ एक्स हमारा आया था, और उस एफ एक्स आउटपुट को अगेन हमने जी एक्स फंक्शन के अंदर इनपुट के रूप में डाल दिया। तो जी एफ एक्स इक्वल्स टू हमको अल्टीमेटली उसने एक्स की वैल्यू ही दे दी जो सबसे पहले हमने इनिशियली इनपुट किया था। तो ये हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये जो हमारे पास में है ये बताता है कि जी जो है वो एफ का इनवर्स फंक्शन है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन जी ओ एफ एक्स अगर हमको एक्स की वैल्यू देता है तो इसका मतलब जो जी फंक्शन है वो हमारे फंक्शन का इनवर्स हो गया। सो यहां से हमने कंक्लूड करा कि जी एक्स इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज अवर कंक्लूजन। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हमको जी टू की वैल्यू निकालनी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एफ इनवर्स टू की वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ओके तो देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ कैसे निकालेंगे हम, एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, हमको यही दे रखा है। ओके अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स को मैं वाई मान लेता हूँ और इनवर्स फंक्शन हमको निकालना आता ही है। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग कि अभी फंक्शन एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, हमको इसको वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, टेक एक्सपोनेंट बोथ साइड, टेक एक्सपोनेंट बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन, यहां से e टू द पावर y हो जाएगा और यहां से हमारे पास में e टू द पावर ln, यहां पे हो जाएगा हमारे पास में x प्लस ln x प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अब यहां पे एक हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, अगर x टू द पावर log बेस x y इक्वल्स टू z है हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, log का बेस है x और x टू द पावर log बेस x y है हमारे पास, तो जो x टू द पावर log बेस x है ये वैनिश हो जाता है और हमारे पास में क्या आ जाता है, y इक्वल्स टू z। तो यहां से हम देख सकते हैं e टू द पावर ln है, नेचुरल log का बेस क्या होता है, e होता है, तो यहां से हमारे पास में e टू द पावर ln यहां पे वैनिश हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और हमारे LHS में क्या बचेगा, e टू द पावर y। अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर y और x को LHS में भेज देते हैं, इक्वल्स टू हमारे पास में हुआ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम यहां पे क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो देखिए हमारे पास में क्या इक्वेशन हो जाएगी, e टू द पावर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा, e टू द पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एल एच एस और आर एच एस दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में आ जाएगा ई टू द पावर टू वाई माइनस टू एक्स ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू वन। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, टू एक्स ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू, दिस विल बिकम e टू द पावर टू वाई माइनस वाई माइनस वन। यहां से हमारे पास में आ गया x इक्वल्स टू e टू द पावर टू वाई माइनस वन अपॉन टू ई टू द पावर वाई। इसको हम लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, e टू द पावर वाई है, तो इसको न्यूमरेटर की हर एक टर्म के नीचे ले जाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर वाई माइनस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन टू। तो हमारे पास में क्या हो गया, अब इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई को लास्टली हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से। तो देखिए हमारे पास में क्या बन जाएगा, वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो हमारे पास में क्या बचा, ये हमारे पास में क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स, ये हमारे पास में इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली इसके अंदर जो है
एक्स की वैल्यू टू पुट कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स टू हो जाएगा हमारे पास में, एफ इनवर्स टू विल बी ए टू द टू माइनस ए टू द माइनस टू अपॉन टू। तो हमारा एफ इनवर्स टू कितना है हमारे पास में, एफ इनवर्स टू ये वैल्यू आ गई। तो चेक करते हैं ऑप्शन के अंदर, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ई स्क्वायर माइनस ए टू द माइनस टू अपॉन टू। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने सवाल को जो है किया है। अब देखिए हमने इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल लगाया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या आई हमारे पास, जीओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये बहुत काम की स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एफ और जी आपस में क्या है, इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, ठीक है। और तो हमने सिंपली इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट किया है और हमने वैल्यूज पुट करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड ऑफ एक्स देन एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आजकल जेई एडवांस काफी इनवर्स के क्वेश्चन दे रहा है, तो इनवर्स के क्वेश्चंस को हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और इनवर्स फंक्शन कभी कभार काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये काफी जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए हमको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी मोड आ जाता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम मोड को इजी करने के लिए केसेस बनाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ एक्स आ रहा है, तो मोड ऑफ एक्स को इजी करने के लिए हम क्या केसेस बनाएंगे, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और एक्स शुड बी लेस देन जीरो। तो देखिए ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स शुड बी, पहली कंडीशन क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स शुड बी लेस देन जीरो। तो देखिए अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसका मतलब जो मोड ऑफ एक्स है वो किससे ओपन होगा, वो मोड ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा। तो यहां पे क्या है एक्स मोड ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू प्लस एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब देखते हैं हमारे पास में सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड के अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है कि x इज लेस देन जीरो। तो अगर x इज लेस देन जीरो हुआ तो हमारे पास में मोड ऑफ x, अगर मोड हटेगा तो किस तरह से ओपन होगा, मोड ऑफ x ओपन होगा हमारे पास में माइनस x के साथ में। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x मोड x क्या बन जाएगा, x मोड x बन जाएगा x इंटू माइनस ऑफ x विच इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, will be having minus x square when x is less than 0, okay? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा minus x square, ठीक है। तो हमारे पास में फंक्शन की ये वैल्यू आ गई, अब इसका इनवर्स निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग केसेस ले लेते हैं, तो पहला केस क्या है हमारे पास में, पहला केस है when x is greater than equals to 0, तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एफ एक्स को y मान लेता हूँ, ओके एफ एक्स इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पूरे जो फंक्शन है उसको y के टर्म्स में लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ y। ओके हमारे पास में क्या है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ y आया। अब यहां पे हमको दो पॉसिबिलिटीज मिल रही है, क्या मिल रहा है, एक तो x इक्वल्स टू प्लस रूट ऑफ y और x इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ y। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा y, हमारा x क्या है, यहां पे x का हमारा डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन जीरो आएगा क्योंकि x इक्वल्स टू प्लस रूट ऑफ y है, रूट ऑफ y इज ऑलवेज पॉजिटिव देन, तो ये वाला हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एक्सेप्टेड है। सेकंड वाला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ y, यहाँ पे रूट y क्या है, पॉजिटिव है, माइनस लगने के साथ में x क्या हो जाएगा, x इज नेगेटिव, यहाँ पे x हमको नेगेटिव मिल गया, लेकिन हमको क्या दे रखा है डोमेन में, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो हमारा ये डोमेन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड बिकॉज x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास में क्या हो गया, x इक्वल्स टू प्लस रूट ऑफ y। चलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं हम, fx इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। तो देखिए केस टू है हमारे पास में, केस टू व्हेन x इज लेस देन 0 एंड f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x स्क्वायर, fx को y लिख देता हूं, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y, यहां पे हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस y।
अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने काफी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए देखा है कि यहाँ पे उनका एक ही सवाल रहता है कि यहाँ पे रूट के अंदर माइनस वाई कैसे आ सकता है। रूट के अंदर माइनस वाई बिल्कुल आ सकता है, पर लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि वाई शुड बी लेस देन जीरो, जो कि हमारे इस केस के अंदर है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, बट माइनस लगने के साथ में क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी। तो वाई हमारा क्या है? वाई विल बी ऑलवेज लेस देन जीरो। तो उस केस के अंदर हमने रूट ऑफ माइनस वाई लगा दिया है। अब यहां पे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस वाई की जगह मैं मोड ऑफ वाई लिख देता हूं। तो मोड जो मोड है वो क्या होता है, प्लस माइनस का सबका वो टेक केयर कर लेता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ मोड वाई, इसको इस तरह से मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी अगेन मेरे पास में क्या हो जाएंगे, यहां पे अगेन मेरे पास में दो केसेस हो जाएंगे, व्हेन एक्स इक्वल्स टू प्लस रूट ऑफ मोड वाई एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ मोड वाई। अब ध्यान दीजिए अगेन यहां पे हमारे पास में एक्स का डोमेन क्या है, एक्स का डोमेन है एक्स इज लेस देन जीरो, तभी हमारा केस टू है इन विच एक्स इज लेस देन जीरो। तो यहां पे हमारे फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि रूट ऑफ मोड वाई ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो एक्स इज पॉजिटिव आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा। रिजेक्टेड होने की रीजन क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स का डोमेन क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो, तो डज नॉट सेटिस्फाई अवर डोमेन। अब देखिए सेकेंड केस में क्या है, एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्स यहाँ पे क्या है ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव और यही हमारा डोमेन है, हमारे डोमेन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में है सॉल्यूशन, ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास में आया क्या, हमारे पास में आ गया एक्स इक्वल्स टू माइनस, हमारे पास में दो केस आए। पहला केस क्या आया, एक्स इक्वल्स टू हमने एक्स का इन्वर्स निकाला, हमने एफ एक्स का इन्वर्स निकाला, तो हमारे पास में दो केस आए। फर्स्ट केस है रूट ऑफ, देखिए फर्स्ट केस के अंदर क्या था, रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ मोड वाई, तो इसको मैंने प्लस रूट ऑफ वाई लिखा। अब देखो यहां पे मैं छोटा सा चेंज कर देता हूं ताकि हमको समझने में आसानी रहे। तो प्लस रूट ऑफ वाई, वाई वैसे तो क्या है, वाई वैसे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पर अगर मैं मोड ऑफ वाई लगा दूं तब भी कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, मोड ऑफ वाई हम लोग क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि हमको ऑप्शन के अंदर मोड लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास में फर्स्ट क्या आ गया, मोड वाई प्लस मोड वाई व्हेन वाई इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड के अंदर हमारे पास में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड के अंदर क्या है, व्हेन वाई इज लेस देन जीरो, तब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ मोड ऑफ वाई। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, क्या हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं कि हमको यहां पे ये दो केसेस नहीं लेने पड़े। कहने का मतलब है कि y ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास में क्या फंक्शन है, रूट ऑफ मोड वाई, y लेस देन जीरो के लिए माइनस रूट ऑफ मोड वाई। तो क्या कोई एक ऐसा स्टेप है या कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसको यूज करने पर मैं इसको एक ही सिंगल स्टेप के अंदर आंसर लिख सकूं? बिल्कुल है, जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास में क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो वो क्या वैल्यू देता है, प्लस वन वैल्यू देता है, जब क्वांटिटी नेगेटिव होती है तब वो वैल्यू क्या देता है, माइनस वन। तो अगर मैं x इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ y इंटू रूट ऑफ मोड y लिख दूं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा ये जो फंक्शन है एग्जैक्टली ये जो फंक्शन दो केसेस में हमने लिखे हैं वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम y ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे, तो सिग्नम फंक्शन y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हमको फर्स्ट केस मिल जाएगा। वाई इक्वल्स टू जीरो के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी जो कि फर्स्ट केस में हो रहा है। वाई लेस देन जीरो के लिए सिग्नम फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमको सेकंड केस मिल जाएगा, माइनस रूट ऑफ मोड वाई। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली सिग्नम हम लोग इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए एक्स और वाई को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, वाई इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास में इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स आ गया। दिस इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। तो देखते हैं हमारा आंसर, चेक करते हैं इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर हमने क्या चीजें सीखी। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर हमने सबसे पहले ये चीज सीखी है कि मोड ऑफ एक्स को हमको कैसे एलिमिनेट करना है। हमको मोड ऑफ एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, हमको केसेस बनाने पड़ते हैं। इसके बाद में हमने क्या चीज देखा, हमने सिग्नम फंक्शन को इस्तेमाल करना देखा कि हम सिग्नम फंक्शन को कैसे जो है अपने यूज में लेकर आ सकते हैं, कैसे हम दो केसेस को कंबाइन करके एक केस बना सकते हैं, और फाइनली हमने इनवर्स फंक्शन अपना निकालना सीखा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स क्यूब प्लस टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के क्यूब द सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच के माइनस टू एक्स माइनस टू सॉरी इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, मान लो पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है और यहां हमारे हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि के की टर्म्स में, के इज ए कॉन्स्टेंट। नाउ इसके अंदर हमको ये चीज दे रखी है कि एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ px है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू टू जो है वो हमारे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px देन पी टू इक्वल्स टू जीरो। तो P2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू टू पुट कर देंगे अपने Px फंक्शन के अंदर। तो क्या हो जाएगा, टू क्यूब प्लस टू के स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस के क्यूब इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा 8k प्लस 8k स्क्वायर प्लस के क्यूब इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से देखिए क्या आया, यहां से हमारे पास में आ गया के क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 8k, बस कुछ नहीं करा है, रीअरेंज करके लिखा है इसको, ओके इक्वल्स टू जीरो। ओके अब यहां से मैं क्या करता हूं, k कॉमन निकाल लेता हूं क्योंकि हमको यहां पे दिख रहा है कि k इज कॉमन। तो k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से देखो हमारे पास में क्या चीजें आ गई, k इक्वल्स टू जीरो, k इक्वल्स टू जीरो या फिर k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए वापस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ के निकालना है। तो देखो के इक्वल्स टू जीरो है तो सम के अंदर जीरो तो वैसे भी काउंट नहीं होगा। तो हमको मेन फोकस किस इक्वेशन के ऊपर करनी है, इस इक्वेशन के ऊपर हमको मेनली फोकस करना है। ओके अब ये जो इक्वेशन है के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो, के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो, ये जो है हमको k के रूट्स देंगे, k की वैल्यू देंगी। तो देखिए k की वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ओके तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 तो 64 माइनस 32 विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि रूट्स ऑफ के आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स ऑफ के आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास में के की अलग अलग वैल्यूज होंगे जो कि रियल होंगी। अब हमको क्या करना है, हमको सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के फाइंड करने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह की इक्वेशंस एग्जाम में आ जाती हैं और बच्चे इसके रूट्स निकालने लग जाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करना है। बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखिए कितना आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वेर बी एंड ए आर स्टैंडर्ड कोफिशियंट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस 8/1। तो देखिए यहीं से हमको सम ऑफ रूट्स मिल गया माइनस 8। हमको वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि हम के की वैल्यू निकालें फिर उनको ऐड करें, ये टाइम सेविंग की कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस 8 आ गया। तो चेक करते हैं हमारा माइनस 8 कौन से ऑप्शन के अंदर है, माइनस 8 इज अवर डी ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इस सवाल के अंदर हमने क्या चीजें सीखी, क्या चीजें जानी, हमने सबसे पहले तो ये देखा कि अगर हमारे पास में कोई फैक्टर होता है इसका मतलब वो क्या करता है, हमारी उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो हमने सिंपली इसके अंदर 2 पुट कर दिया विच इज p2 इक्वल्स टू 0। देन हमने क्या करा, ये हमारे पास में जो है एक k की क्यूबिक इक्वेशन थी जिससे एक k की वैल्यू k इक्वल्स टू 0 निकली और हमारे पास में k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 इक्वल्स टू 0 निकले विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने इसके अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखा के सम ऑफ रूट्स निकाल लिया विच इज माइनस b बाई ए। ये काफी इजी क्वेश्चन था। ओके
तो आगे बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर आप काफी कुछ ग्राफिकली जानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो शुरू करते हैं। देखिए फंक्शन के अंदर पीरियड्स के भी क्वेश्चन आते हैं। पीरियड क्या होता है कि जैसे मान लो साइन एक्स या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया तो उसका पीरियड निकालना। पीरियड का मतलब कितने इंटरवल के बाद में उसकी वैल्यूज वापस से रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उसी की तरह है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मिनिमम साइन एक्स मोड एक्स प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन पाई वेर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसका हमको पीरियड निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन पाई। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को इजी से समझने के लिए मैं दो पार्ट्स में तोड़ लूंगा। ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट एंड ये हमारे पास में सेकंड पार्ट। हम बारी बारी से हर एक पार्ट का पीरियड निकालेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग लास्ट के अंदर जो है एनालाइज करेंगे फिर हमको किस तरह से काम करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को जो है मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, मिनिमम ऑफ साइन ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को मिनिमम निकालना है साइन एक्स और मोड ऑफ एक्स के बीच में से। तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स और मोड एक्स का ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए मोड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे पहले मोड एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं, मोड एक्स का भी नहीं वाई इक्वल्स टू एक्स, ताकि हम इजीली समझ पाए। ये वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, हमने रफली स्केच करा इसको। ठीक है, अब अगर मैं वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं तो वो किस तरह से बन जाएगा, वो हमारे पास में हो जाएगा कुछ इस तरह से। मोड एक्स के अंदर क्या होता है कि वाई के जो भी नेगेटिव पार्ट होता है उसका एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन ले लेते हैं हम लोग और पॉजिटिव पार्ट को एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, दिस विल बी लाइक दिस। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ हमारा हो जाएगा लाइक दिस, ये हमारे पास में मोड ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़े से अलग कलर से हम लोग बनाते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस। ये जो रेड से मैं जो ग्राफ बना रहा हूं वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। अब हम बनाते हैं वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, तो इसको भी हम अलग कलर से बना लेते हैं। ये हमारे पास में है दिस इज, इसको ले लेते हैं हम लोग वाइट कलर ले लेते हैं आपके समझने के लिए। तो देखिए जब वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का आप ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा देखते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ग्राफ को हमने काफी जो है रफ स्केच से बनाया है, बस समझने के हिसाब से बनाया है, अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है ये, पर आप समझ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में देखिए क्या हो गया यहां पे, ठीक है। तो देखिए जो रेड के अंदर है वो आपको किसका ग्राफ दिख रहा है, वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ दिख रहा है, और जो व्हाइट के अंदर है वो वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। इस ग्राफ से हम प्रॉपरली समझ सकते हैं कि वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे पॉइंट्स जो रेड कर्व के ऊपर आ रहे हैं वो हमेशा व्हाइट कर्व से बड़े ही हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे पास में, ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो पॉइंट है मेरे पास में ये व्हाइट के ऊपर जो पॉइंट है उससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साइन ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ एक्स, विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। इक्वल्स टू कब हो सकता है, इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के ऊपर होगा, बाकी रियल नंबर के ऊपर कोई भी वैल्यू आप उठाकर देख लीजिए साइन ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ एक्स। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमको पूछा था कि मिनिमम ऑफ साइन एक्स एंड मोड ऑफ एक्स, तो यहां से हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं विच इज क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू यहां पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमको दे रखा था साइन एक्स ऑफ मोड एक्स के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या है, जबकि मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी साइन ऑफ एक्स ही रहेगा। अब देखिए हमने फर्स्ट पार्ट को कितनी इजीली सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट क्या है साइन एक्स है, मिनिमम साइन एक्स मोड एक्स का क्या है
इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स है। अब साइन ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ साइन ऑफ एक्स इज 2π। ये बहुत कॉमन सी चीज है, सबको पता है कि साइन ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? 2π। 2π के बाद में इसकी वैल्यूज रिपीट होती है। ओके चलिए अब सेकेंड पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकेंड पार्ट के अंदर है हमारे पास में हमको दिया हुआ है x अपॉन पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन पाई, ये हमको दिया हुआ है। अब याद करिए, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शन और एक नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? लेट से मेरे पास में नंबर है n, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n, ये हमारे पास में रिलेशन होता है। तो नीचे वाले फॉर्मूले से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में x अपॉन पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन पाई बन जाएगा। तो x अपॉन पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन पाई इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन पाई। अब देखिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट n किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये हमारी ओरिजिन है, ठीक है, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ग्राफ वापस से अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, बस समझने के लिए ये जो ग्राफ है ये बनाया जा रहा है। तो हमारे पास में फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है और क्लियरली इसका पीरियड हम देख सकते हैं कि इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। पीरियड किसका 1 होता है? एन का। ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है एन माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन है इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एन, इसका पीरियड क्या होता है? 1। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अपॉन पाई, तो इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास में पीरियड हो जाएगा पाई। दिस इज 2π, दिस इज 3π। तो आप देख सकते हैं कि हर पाई इंटरवल के बाद में इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। ओके तो हमारे पास में पीरियड ऑफ x अपॉन पाई कितना हो जाएगा, पीरियड ऑफ x अपॉन पाई इज पाई। तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का पीरियड क्या हो गया, पीरियड ऑफ मिनिमम साइन ऑफ x मोड ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ x इज 2π। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के अंदर पीरियड ऑफ x अपॉन पाई माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x अपॉन पाई इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन पाई, इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हमारे पास में हो गया पाई। तो अब हमको क्या निकालना है, पीरियड ऑफ fx निकालना है। fx क्या है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का एडिशन है, ठीक है ना। तो देखो अब पीरियड कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास में फंक्शन के अंदर अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं जिनके पीरियड अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं उन सारे पीरियड्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2π एंड पाई विल बी 2π। तो ओवरऑल हमारे पास में फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड ऑफ fx विल बी 2π। तो 2π हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर के अंदर क्या है हमारे पास, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में 2π सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे पास में फंक्शंस के टॉप 5 क्वेश्चंस। तो कैसे लग गए आपको ये क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आपको आगे क्या टॉपिक चाहिए ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहां से हमारा कैलकुलस पार्ट शुरू होता है, इसके बाद में लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद में डेरिवेशंस और डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और कैलकुलस के आगे वाले पार्ट्स इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा फंक्शन चैप्टर। थैंक यू, सी यू इन अनदर सेशन।